जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में आज हम डिस्कशन करेंगे उस एनिमल की और उस बर्ड की जिसे लद्दाख ने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड के रूप में अडॉप्ट किया है। ठीक है, लद्दाख हालांकि यूनियन टेरिटरी है लेकिन नोशन वाइज हम स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा एनिमल है। तो लद्दाख ने जो जिस एनिमल को अडॉप्ट किया है वो है स्नो लेपर्ड। ठीक है, हिम तेंदुआ इसको हिंदी में कहेंगे, जो जानवर है उसको कहेंगे हिम तेंदुआ। यही इसी जानवर को अडॉप्ट किया है लद्दाख ने। और बर्ड यानी पक्षी के रूप में ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी कि काली गर्दन वाला जो सारस होता है उसको अपनाया गया है बर्ड के रूप में। देखिए अगर हम मैप में देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत का मैप, यहाँ पे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो पहले था, 2 साल पहले इसे बाइफर्केट कर दिया गया, आपको पता है 370 हटने के बाद, ये पीओके या अक्साई चीन, ठीक है, जो चीन के पास है, चीन कहता है कि हमारा है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहां देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख जो रेड वाला पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली पहले स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, हम जानते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो था ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही आते थे दोनों, लेकिन जब इसका बाइफर्केशन कर दिया गया तो इन दोनों को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा। ये आपको पता है 2 साल पहले की घटना है। तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, तो लद्दाख जो है उसमें उसने स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक क्रेन यानी कि काले गर्दन वाले सारस को एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब एक्चुअली होता है हर स्टेट का एक सिंबल होता है, एक जानवर यानी एनिमल और एक बर्ड हर स्टेट के लिए है। तो उसी तरह से लद्दाख ने यहां पर इसे एडॉप्ट किया है इन दोनों को। अब सवाल ये उठता है कि एडॉप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एडॉप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए अभी मैं बता रहा था कि जो अस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर है, अस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का मतलब जब ये एक स्टेट था, बाइफर्केशन नहीं हुआ था, यानी जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बांटा गया था। उस समय ये जो सिंबल था या स्टेट का जो एनिमल हुआ करता था वो कश्मीरी स्टैग था। हाँ, कश्मीरी यहां पर कर सकते हैं, हाँ कश्मीरी स्टैग, ठीक है ना, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग जिसे हंगूल भी कहा जाता था। ठीक है, हंगूल और बर्ड यही था। हाँ, जो पक्षी था वो यही था, ब्लैक नेक क्रेन यानी काले गर्दन वाला जो सारस था वही जम्मू एंड कश्मीर का, अस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन के पहले या इसका सिंबल यही था। ठीक है, ब्लैक नेक क्रेन जो कि अब लद्दाख ने इसे एडॉप्ट कर लिया है पक्षी के रूप में। ठीक है, अब देखिए इनका जो हैबिटेट है यानी कहां रहते थे ये, इनका जो स्थान कहां है, कहां ये इनका निवास है, तो देखिए भारत में अगर देखें तो कश्मीर वैली में हंगूल का है और ब्लैक नेक्ड क्रेन का जो है ये ईस्टर्न लद्दाख में। अब ईस्टर्न लद्दाख की बात करें तो देखिए ये हो गया आपको लद्दाख और ये ईस्टर्न लद्दाख इस तरफ पड़ेगा। हाँ, ईस्टर्न लद्दाख इस तरफ। ठीक है, अब देखिए इधर ईस्टर्न लद्दाख पड़ जाए। ठीक है, ये ईस्टर्न लद्दाख की तरफ। अब देखिए आपको ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का अपना एक सिंबल होता है, एक एनिमल के रूप में और एक बर्ड के रूप में। ठीक है, तो जब बाइफर्केशन हो गया तो काफी दिनों से बात चल भी रही थी, हाँ, कि एडॉप्ट किया जाए एक एनिमल को और एक बर्ड को, तो उसमें स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक क्रेन को अपनाया गया। जरूरत इसलिए पड़ी, देखिए स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक को अपनाने की, होता क्या है कि उन्हीं जानवरों को या उन्हीं एनिमल को, उन्हीं बर्ड्स को एडॉप्ट किया जा सकता है जो उस पर्टिकुलर टेरिटरीज में, क्षेत्र में पाए जाते हो, क्योंकि वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं वो जानवर। हाँ, वो स्टेट उनके कंजर्वेशन की कोशिश करता है। ठीक है, और
बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन की भी कोशिश करता है, वो कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, तो इस वजह से एडॉप्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो अब यहां पे जरूरत इसलिए पड़ी कि देखिए पहले क्या था कि कश्मीर, जब कश्मीर था तो कश्मीरी स्टैग क्या था, कश्मीरी स्टैग या हंगुल जम्मू एंड कश्मीर का अस्थाई बाइफर्केशन के पहले यह हुआ करता था। लेकिन आप एक चीज देखिए कि यह सिर्फ कश्मीर वैली में पाया जाता, ये जानवर ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया नहीं जाता था। तो बाइफर्केशन के बाद अब तो इसको अपना एक एनिमल तो एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जब कश्मीरी स्टैग या हंगुल जब सिर्फ कश्मीर वाले जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में यानी कश्मीर वैली में पाया जाता है और लद्दाख वाले क्षेत्र में ये पाया ही नहीं जाता है, तो फिर अब लद्दाख का एनिमल तो अब ये रह नहीं सकता। हाँ, ये जो है हम लद्दाख का एनिमल रह नहीं सकता, तो इसलिए लद्दाख को जरूरत पड़ी एक नए जानवर को एडॉप्ट करने की। तो उसने किया स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुआ को, ठीक है, तो इसने हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड को एडॉप्ट किया। जहां तक ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात है, अब देखिए ब्लैक नेक्ड क्रेन का भी मैंने लिखा हुआ एक हैबिटेट कहां पे है भाई, ईस्टर्न लद्दाख, हैबिटेट इनका ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है ना, यानी ईस्टर्न लद्दाख का मतलब ये वाला क्षेत्र मैंने बताया, यही ईस्टर्न लद्दाख हो गया इस तरफ, यानी जम्मू एंड कश्मीर से अब इनका कोई मतलब नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाए ही नहीं जाते। तो अब ये ब्लैक नेक क्रेन जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिंबल बन ही नहीं सकता, कैसे बनेगा, ठीक है ना, तो इसलिए ब्लैक नेक क्रेन को अब लद्दाख ने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में ही पाया जाता है, जम्मू कश्मीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां अपनाया गया। हां, यहां अपना लिया गया, लेकिन यहां अब बर्ड को अपनाने की जरूरत पड़ेगी, यहां भी हो सकता है जल्दी ही यहां भी कोई डिसीजन हो जाए जो अब जम्मू एंड कश्मीर है, तो पहले वाला है, लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में है इस पार्ट में, तो अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां अब ये ब्लैक नेक जो क्रेन है वो नहीं पाया जाता, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे थी। अब जो जानने वाली यहां पे बात है, कुछ बातें जो हमें जानना पड़ेगा वो क्या है, देखिए जो स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है, इसका एक और नाम है आउंस, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथर यूनिका, पैंथर यूनिका आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए सारा चीज इसमें जो भी पॉइंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। और ब्लैक नेक क्रेन का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्रूस निग्रिकॉलिस, कहीं कहीं निग्रिकॉलिस भी मिलेगा, हाँ ग्रूस निग्रिकॉलिस ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है दोनों का। अब आगे देखिए जो दोनों जो है ना एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये और ये, एंडेंजर्ड का मतलब ये है कि रिस्क पे है, खतरे पे है, इनकी संख्या कम हो रही है, इसलिए अब यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि इन जानवरों की, हिम तेंदुओं की और इन बर्ड्स की, बर्ड्स को कंजर्व करें, उनको बचाने की कोशिश करें। देखिए खासकर इसको देखिए स्नो लेपर्ड, ये पूरे विश्व में कहा जाता है कि मात्र 10,000 के आसपास है, 2040 तक में भी कि 10% और कम हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है बेसिकली स्नो लेपर्ड, ये IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इनका जो है वो वल्नरेबल है। अब आप पूछेंगे IUCN क्या है, देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फिर से आप सुनिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति को बचाने की मुहिम चलाता है ये, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। अब ये रेड लिस्ट स्टेटस में इसने वल्नरेबल कहा, यानी कि इसके कहने का मतलब है इसके लिस्ट में सूची में ये जानकारी दी गई है कि ये इस जानवर को बचाने की जरूरत है, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, ये रिस्क पे है, ठीक है ना, मतलब एंडेंजर्ड स्पेसीज है। यही चीज ब्लैक नेक क्रेन के साथ भी है, ठीक है, तो ये आप समझिएगा। जहां तक हैबिटेट की बात है लद्दाख में, ये लद्दाख में पाए जाते हैं और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, भारत की मैं बात कर रहा हूं, लद्दाख में जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यहां पर ये यहां पर पाए जाएंगे ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है।
सॉरी ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, पूरे लद्दाख में। ईस्टर्न लद्दाख में तो आपको ये क्रेन, ब्लैक नेक क्रेन, ठीक है, तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं। और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां इनका हैबिटेट है, यानी कि ये वहां पाए जाते हैं, माने रहने का स्थान है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है ये लद्दाख को, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानने वाली है कि लद्दाख को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इंटरनेशनली इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन में। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लद्दाख को कहा जाता है। अब अगर पूरे विश्व की बात करें भारत को छोड़कर, तो हैबिटेट इनका जो होगा ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अब साउथ एशिया की जहां पर देखिए ठंडे इलाके में पाए जाएंगे, हिम तेंदुआ है, बर्फ में रहेंगे, हाँ स्नो लेपर्ड कहा जाता है। साउथ एशिया तो आप समझ लीजिए कि देखिए ये आपको साउथ एशिया क्या है, ऊपर आपको ये चाइना वीना हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा, इधर रसिया हो जाएगा, ठीक है, और इधर साउथ एशिया में ये नीचे वाला पार्ट, ये जैसे भारत पाकिस्तान, हाँ आपको अफगानिस्तान, इधर मालदीव श्रीलंका, ठीक है, भूटान नेपाल बांग्लादेश, ये सब साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है, तो ये साउथ एशिया में पाए जाते हैं। और सेंट्रल एशिया की जहां तक बात करें, देखिए ये पाकिस्तान हो गया, मैं बार बार आजकल सेंट्रल एशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है तालिबान की वजह से, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान, देखिए पहले पाकिस्तान आएगा भारत, फिर यहां से पाकिस्तान आएगा, इसके ऊपर अफगानिस्तान आएगा, और अफगानिस्तान के ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया होता है। ये पहले यहां पे देखिए चाइना, उसके ऊपर पूरा रसिया, और रसिया का ही पार्ट हुआ करता था सेंट्रल एशिया, जिसमें पांच देश हैं, कौन कौन से, सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान, हाँ अफगानिस्तान के ऊपर आप देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, फिर बीच में उज्बेकिस्तान, किनारे तुर्कमेनिस्तान, पांच देश हैं, ठीक है, वो मध्य एशिया कहलाते हैं। तो ये मध्य एशिया और साउथ एशिया में पाए जाते हैं ये बेसिकली, अगर हम भारत के अलावा बात करें, ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन की, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये आपको तिब्बत वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा भूटान में, यहां पर भूटान होगा, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ, ठीक है, यहां पे भूटान होगा, देखिए यहीं पे भूटान होगा, ठीक है, ये भूटान वाला यहां पे क्षेत्र हो जाएगा, तो यहां पे भूटान हो जाएगा, तो यहां पे भी ये पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड है, हाँ माइग्रेटरी बर्ड है, और कहा जाता है समर जो है ये समर में ये लद्दाख में ये ब्रीडिंग प्लेस है लद्दाख, समर जो है गर्मी का जो दिन है तो वो उसमें आते हैं लद्दाख में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर से आप देखिएगा कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें होंगी, यहां पर एक और चीज देखिए, देखिए कि यहां पर इसकी तारीफ में, लद्दाख में इस वर्ड की तारीफ में बहुत सारे सॉन्ग्स, हाँ गीत भी बनाए गए हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए गए इसकी तारीफ में लद्दाख में, ठीक है। तो बेसिक जानकारी आपके लिए यही है कि लद्दाख यानी जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है, ठीक है, बाइफर्केशन के बाद किसका बाइफर्केशन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर जब एक स्टेट के रूप में था उसका बाइफर्केशन कर दिया गया था, हाँ दो साल पहले, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर उससे दो यूनियन टेरिटरी निकल के आए थे यानी केंद्र शासित प्रदेश निकल के आए थे, तभी से ये जरूरत थी कि अब जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का के सिंबल हुआ करते थे जो एनिमल या जो बर्ड, उनमें बदलाव आएगा, ठीक है, तो ये बदलाव लद्दाख लेकर आया है, उसने एनिमल के रूप में स्नो लेपर्ड और बर्ड के रूप में ब्लैक नेक क्रेन को अपना लिया है, ठीक है। अब यहां पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, स्नो लेपर्ड तो है, इसका एक और नाम औंस आपको जानना पड़ेगा, हाँ दो जानवरों के नाम, ये सॉरी इस जानवर का नाम और इस बर्ड का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कौन सा जानवर अपनाया गया है, एडॉप्ट किया गया है, या कौन सा बर्ड एडॉप्ट किया गया है लद्दाख के द्वारा, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, इन दोनों का ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर लद्दाख के बारे में देखिए ये जानकारी ली जा सकती है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो ये लद्दाख को कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है भारत में लद्दाख के अलावा, और ये कहां पाए जाते हैं, तो लाहौल स्पीति
हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद ये भी आपको जानना चाहिए, मैंने बता दिया कि कश्मीरी स्टैग हंगूल जिसका नाम है, ये कश्मीर का ऑस्ट्रेलिया कश्मीर का ये स्टेट एनिमल था। ठीक है, हंगूल, तो ये तो हो सकता है कि ये तो रही जाएगा क्योंकि कश्मीर वैली में ये इसका हैबिटेट है। ठीक है, तो ये कश्मीर वैली में ये पाया जाता है, तो ये तो रह जाएगा, लेकिन यहां पर ये बदलाव की जरूरत है और ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहां पे भी, क्योंकि ब्लैक नेक तो पाया ही नहीं जाता कश्मीर में, हाँ जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है, कहां पे, ये ईस्टर्न लद्दाख में। तो ईस्टर्न लद्दाख में तो अब इसका, अगर ये बॉर्डर पे भी होता ना, इधर थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर पाया जाता, थोड़ा इधर पाया जाता, तो हो सकता है कि संभावना बन सकती थी, लेकिन दोनों स्टेट का हो सकता था, लेकिन अब संभावना ही नहीं बनती इसको, अब जो यूनियन टेरिटरी के रूप में हम जिस जम्मू एंड कश्मीर को देख रहे हैं बाइफर्केशन के बाद, वहां इसे जो है एक बर्ड को तो अपनाना ही पड़ेगा, नए बर्ड को, क्योंकि अब ये जो है ब्लैक नेक क्रेन ये पाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में यहां, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।